हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइज सेपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। साइज सेपरेशन में हमको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। साइज सेपरेशन एक यूनिट ऑपरेशन है जो इन्वॉल्व करती है सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स इनटू टू और मोर पोर्शंस बाय मींस ऑफ स्क्रीनिंग सर्फेसेस। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीविंग, सिफ्टिंग, स्क्रीनिंग। ये टेक्निक बेस्ड होती है फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स लाइक साइज, शेप एंड डेंसिटी। एंड मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन, सीविंग मेथड एंड सेडिमेंटेशन मेथड, इसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ साइज सेपरेशन, ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए पार्टिकल साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स के लिए। देन ये क्वालिटी कंट्रोल टूल होता है एनालाइज करने के लिए रॉ मटेरियल को। ऑप्टिमाइज करता है प्रोसेस कंडीशंस को, जैसे कि जो मेथड होता है एजिटेशन, टाइम ऑफ स्क्रीनिंग, फीड रेट एट्सेट्रा, और एफिशिएंसी ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स के लिए। यूज ऑफ साइज सेपरेशन, ये होता है डिटरमाइन करने के लिए पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, इम्प्रूव करने के लिए मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स, इम्प्रूव करने के लिए सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ऑप्टिमाइज करने के लिए फीड रेट, एजिटेशन, स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स। देन ये प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट कैप्सूल्स, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जॉइंटमेंट, क्रीम के लिए भी यूजफुल होता है। इन मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन में है सीविंग या फिर सिफ्टिंग। ये प्रोसेस होता है बाय विच डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पाउडर्स को हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम ईच अदर। लैब में डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीव्स यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए पाउडर्स ऑफ डिफरेंट साइज को ड्यूरिंग ग्रैनुलेशन एंड मिक्सिंग। और जो मटेरियल जिसको हम पास करते हैं सीव्स के थ्रू आफ्टर साइज रिडक्शन ऑब्टेन करने के लिए यूनिफॉर्म पाउडर ग्रेड्स। देन सीविंग के बाद जो रिमेनिंग मास होता है उसे हम टेलिंग कहते हैं, उसे हम दूर नहीं फेंकते। देन सीव्स जो है वो मेटल फिटेड विद वायर से बने होते हैं, स्टील, अलॉय और नायलॉन की। देन सीव में डेफिनेट नंबर दिया जाता है सीव्स को, जो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मैश प्रेजेंट पर इंच। देन प्रॉब्लम्स आती हैं इससे, जो पार्टिकल एग्रीगेट हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, मॉइस्चर की वजह से एग्रीगेशन हो सकता है, ओवरलोडिंग ऑफ सीव की वजह से एरर्स आ सकती है। देन सेडिमेंटेशन, ये बेस्ड होता है ऑन द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड इन विच इट इज़ डिस्पर्स्ड, और ये वाइडली यूज होता है और डिटरमाइन करता है पार्टिकल साइज अप टू 0.5 UM। स्पेशल स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर्स, कोर्स पाउडर, जो पाउडर होता है जिसमें ऑल द पार्टिकल्स पास हो जाते हैं सीव विद नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ 1.7 mm, सीव नंबर 10 एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू द सीव विद नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ 355, देन सीव नंबर 44, इट इज़ कॉल्ड कोर्स पाउडर। देन मॉडरेटली कोर्स पाउडर, जिसमें सारे पार्टिकल्स पास हो जाते हैं 710 nm से, सीव नंबर 22, नॉट मोर देन 40% जो होते हैं वो अपर्चर ऑफ 250 nm, यानी कि सीव नंबर 60। देन मॉडरेटली फाइन वाले पास करते हैं 355 UM, सीव नंबर 44, नॉट मोर देन 40 पास करते हैं नॉमिनल मैश अपर्चर ऑफ 180, सीव नंबर 85। देन फाइनली वाले 180 nm से निकल जाते हैं, सीव नंबर 85, और वेरी फाइन वाले 125 UM, सीव नंबर 120 से निकल जाते हैं। होते हैं फार्माकोपियल टेस्टिंग के, वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं फ्रॉम वायर क्लॉथ विद स्क्वायर मैश, वोवन फ्रॉम वायर ऑफ ब्रास, ब्रोन, स्टेनलेस स्टील और एनी अदर सूटेबल मटेरियल। हैं सीव्स के लिए वो स्पेसिफाई करना चाहिए जो नंबर ऑफ सीव, जो सीव नंबर है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मेशेज इन द लेंथ ऑफ 2.54 cm इन ईच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर, नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर,
ये इंडिकेट करता है डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, और ये रिप्रेजेंट करता है जो लेंथ होती है साइड ऑफ स्क्वायर अपर्चर. आईपी ने दी है नॉमिनल मेश अपर्चर मेजॉरिटी ऑफ सीव्स के लिए एमएम में या फिर सेंटीमीटर में. तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर, वायर मेश सीव्स बने होते हैं वायर से जिनमें स्पेसिफाइड डायमीटर होता है ताकि सूटेबल अपर्चर साइज और सफिशिएंट स्ट्रेंथ दी जा सके अवॉइड करने के लिए डिस्टॉर्शन ऑफ द सीव. तो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया ये एक्सप्रेस करता है एरिया ऑफ द मैश अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सीव. ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द वायर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सीव नंबर में. जो सीविंग एरिया होता है उससे हम रखते हैं 35-40% की रेंज में एक सूटेबल स्ट्रेंथ देने के लिए टू द सीव. देन हमारे इक्विपमेंट्स है जो कि साइज सेपरेशन के लिए यूज़ होते हैं, सीव शेकर, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, बैक फिल्टर, इलिट्रूशन टैंक. ये सीव शेकर का डायग्राम दिया हुआ है. सीव शेकर में जो फाइन पाउडर होता है वो सेपरेट होता है फ्रॉम कोर्स पाउडर बाय यूजिंग सीव्स ऑफ डिज़ायर्ड नंबर. देन जो डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ पाउडर होती है उसको हम जान सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ सीव थ्रू विच पाउडर्ड मटेरियल इज पास्ड. सीव्स जो होते हैं उन्हें नंबर किया जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए फ्रॉम ईच अदर. जो साइज सेपरेशन होती है पाउडर की वो की जाती है बाय पासिंग द पाउडर्ड मटेरियल थ्रू अ सेट ऑफ सीव्स. जो सीव्स होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, मतलब कि जो लार्जर साइज वाला होता है वो टॉप पे होता है और स्मॉलेस्ट वाला बॉटम पे होता है. जो बॉटम सीव होता है वो रिसीविंग पैन से अटैच्ड होता है. जो मटेरियल अपर मोस्ट सीव में रखते हैं हम, देन सीव जो होते हैं वो शेक होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल सीव शेकर. तो जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे पास होते रहते हैं सीव्स के थ्रू. देन ये बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजिटेशन और वाइब्रेशन. इसके मेरिट्स, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, सिंपल मेथड टू परफॉर्म, रैपिड है और मेजर कर सकते हैं अप टू 15 UM. डीमेरिट्स है, सीव ब्लाइंडिंग हो सकती है, वेट मटेरियल के लिए अनसूटेबल है, चांस होता है साइज रिडक्शन का और नॉट मेजर बिलो 50 μm. नेक्स्ट है साइक्लोन सेपरेटर. ये साइक्लोन सेपरेटर का डायग्राम. देन साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए सॉलिड्स को फ्रॉम फ्लूइड्स. जो सेपरेशन है वो डिपेंड सिर्फ पार्टिकल साइज पे ही नहीं करती लेकिन डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स पे भी करती है, जो डिपेंड करती है फ्लूइड वेलोसिटी पे. जो साइक्लोन सेपरेटर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स या रिमूव करने के लिए ओनली कोर्स पार्टिकल्स, और अलाउ करता है सिर्फ फाइन पार्टिकल्स को टू बी कैरिड थ्रू विद द फ्लूइड. इसमें एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है विद कोनिकल बेस. जो रोटेटरी फ्लो होता है साइक्लोन के अंदर उसकी वजह से जो पार्टिकल्स पे एक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सॉलिड्स है वो बाहर मतलब फेंक दिए जाते हैं टू द वॉल्स और देन फॉलिंग टू द कॉनिकल बेस पे वो गिरते हैं और सॉलिड डिस्चार्ज के थ्रू बाहर आ जाते हैं. देन जो सस्पेंशन है वो इंट्रोड्यूस होती है टेंजेंशियली एट फेयरली हाई वेलोसिटी पे ताकि रोटेटरी मूवमेंट हो सके विद इन द वेसल, और जो फ्लूइड है वो रिमूव हो जाए फ्रॉम सेंट्रल आउटलेट एट द टॉप. ये एक फॉर्म ऑफ सेडिमेंटेशन की तरह है लेकिन इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इंस्टेड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. देन जो है साइक्लोन्स का यूज़ करते हैं विद लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड लेकिन मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन होती है सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस यूजुअली एयर. इसके एडवांटेजेस है ये हाई एफिशिएंसी, लो कैपेसिटी कॉस्ट, रिक्वायर स्मॉल स्पेस, हाई सेफ्टी, ऑपरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है,
हैंडल लिक्विड मिस और ड्राई मटेरियल। डीमेरिस्ट है कि ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा है और इरोजन से बियरिंग हो सकती है। नेक्स्ट है एयर सेपरेटर। इसका सेम प्रिंसिपल है साइक्लोन सेपरेटर का, बट इसमें एयर की जो मूवमेंट होती है वो रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड्स की वजह से होती है, और इस सेपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्टेशनरी ब्लेड्स का यूज़ करते हैं, और हम कंट्रोल कर सकते हैं इन ब्लेड्स की हेल्प से स्पीड को रोटेशन की, और हम हमारे लिए पॉसिबल होता है चेंज करना साइज़ को जिसपे सेपरेशन होती है। एयर सेपरेटर का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है विथ कोनिकल बेस, फिर अपर पार्ट ऑफ द सेपरेटर में जो वेसल होता है वो फिटेड होता है विथ फीड इनलेट, और बेस पे दो आउटलेट्स होते हैं, एक लाइट पार्टिकल्स के लिए और दूसरा हैवी पार्टिकल्स के लिए। जो रोटेटिंग डिस्क और रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं टू दी सेंट्रल शाफ्ट जो प्रोड्यूस करते हैं एयर की मूवमेंट। जो सैम्पल पाउडर होता है हम उसे पास करते हैं फीड इनलेट के थ्रू जो फॉल करता है ऑन द रोटेटिंग डिस्क। तो जो रोटेटिंग ब्लेड्स अटैच्ड होते हैं सेम शाफ्ट पे वो प्रोड्यूस करते हैं करंट ऑफ एयर, देन जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो उन्हें हम पिक्ड अप कर लेते हैं और स्पेसेस में ले जाते हैं जहाँ पे एयर वेलोसिटी सफिशेंटली रिड्यूस्ड होती है। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं और कलेक्ट हो जाते हैं आउटलेट पे, जो कि फाइन पार्टिकल्स के लिए होता है। हैवी पार्टिकल्स जो नीचे गिरते हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं आउटलेट पे, जो हैवी पार्टिकल्स के लिए होता है। जो एयर सेपरेटर है वो ऑफ्टन अटैच्ड होता है बॉल मिल पे या फिर हैमर मिल पे सेपरेट करने के लिए और रिटर्न करने के लिए ओवरसाइज्ड पार्टिकल को फर्दर साइज रिडक्शन के लिए, और इसको हम सिर्फ ड्राई प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलुट्रिएशन मेथड। ये एलुट्रिएशन और मल्टी स्टेज एलुट्रिएशन का डायग्राम दिया हुआ है। जो साइज सेपरेशन होती है पाउडर की वो बेस्ड होती है लो डेंसिटी ऑफ फाइन पार्टिकल्स और हाई डेंसिटी ऑफ द कोर्स पार्टिकल्स पे। ये जो टैंक है इसको यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए कोर्स और फाइन पार्टिकल्स को आफ्टर लेविगेशन। जो ड्राई पाउडर और पेस्ट होती है उसे हम लेविगेशन प्रोसेस से बनाते हैं, उसको हम टैंक में रखते हैं और मिक्स कर देते हैं विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लिक्विड में बाय स्टीरिंग उन्हें फिर अलाउ कर देते हैं टू सेटल डाउन, देन डेंसिटी के बेसिस पे वो या तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे या फिर सस्पेंडेड रहेंगे वाटर में। देन जो सैम्पल होता है हम उसे विड्रॉ कर लेते हैं डिफरेंट हाइट्स पे थ्रू दी आउटलेट्स, देन उन्हें ड्राई करते हैं और पाउडर ऑफ वेरियस साइज फ्रैक्शन को कलेक्ट कर लेते हैं। आजकल एलिट्रिएशन प्रोसेस में जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड है मूविंग फ्लूइड में, जनरली वाटर। जो सेपरेटर्स है उसमें एक वर्टिकल कॉलम होता है विद एन इनलेट नियर द बॉटम फॉर सस्पेंशन, देन एक आउटलेट होता है एट द बेस फॉर कोर्स पार्टिकल, और एक ओवरफ्लो होता है नियर द टॉप फॉर फ्लूइड एंड फाइन पार्टिकल्स। एक कॉलम जो है वो देता है सिंगल सेपरेशन इनटू टू फ्रैक्शंस। अगर मोर देन वन फ्रैक्शन चाहिए होता है तो नंबर ऑफ ट्यूब ऑफ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की डिक्रीज होती है इन सक्सीडिंग ट्यूब्स, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है, तो इस वजह से हमें नंबर ऑफ फ्रैक्शंस मिलती है। इन फ्रैक्शंस को हम सेपरेट करके ड्राई कर लेते हैं। एडवांटेजेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, फिर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस रिक्वायर्ड सेम नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया कैन बी कनेक्टेड, देन सेपरेशन जो है वो क्विक है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स, देन एपरेटस जो है वो मोर कॉम्पैक्ट है देन दैट यूज इन दी सेडिमेंटेशन मेथड्स। देन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो सस्पेंशन होती है सॉलिड पार्टिकल्स की उन्हें डाइल्यूट करना पड़ता है, जो कि डिज़ायर्ड नहीं होती हर केस कुछ केसेस में। नेक्स्ट टॉपिक है बैक फिल्टर। इसका डायग्राम, बैक फिल्टर और फाइब्रिक फिल्टर एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है और डस्ट कलेक्टर है जो रिमूव कर देता है पार्टिकुलेट्स को और गैस रिलीज फ्रॉम
commercial purposes out of the air. Then pharmaceutical producers, food manufacturers, chemical producers or other industrial companies use karti hai ise control karne ke liye emission of air pollutants. Iske merits: worker health protection, improved product quality, reduced housekeeping, 99% collection efficiency, can collect particles smaller than 10 micron in diameter, simple construction and operation, normal power consumption required, it can collect flammable dust also, modular design for convenient assembly, it is cost effective. Disadvantages: ऑपरेटिंग लिमिट्स होती हैं, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है और फैब्रिक रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, लार्ज साइज इक्विपमेंट है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल की वजह से फैब्रिक अनप्लगिंग हो सकती है, जो फैब्रिक बैग है वो बर्न और मेल्ट हो सकता है एट हायर टेम्परेचर. दैट्स ऑल, थैंक यू.